महिलाओं पर रखी जाएगी नजर, हिजाब को लेकर ईरान सरकार का सख्त कानून, चप्पे चप्पे पर लगेंगे कैमरे। नमस्कार, मैं हूं अंशु, आप सभी का स्वागत है ए इंडिया न्यूज पर। हाल ही में ईरान सरकार ने हिजाब को लेकर नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले के अनुसार ईरान के लोगों को अब अपने घर से बाहर निकलते समय हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सख्ती की नज़र से सड़कों पर लगाए गए कैमरों के माध्यम से महिलाओं के ऊपर नज़र रखी जाएगी। यही नई नीति विवादों का विषय बन रही है और इसे लेकर बातचीत जारी है। आइए जानते हैं हिजाब क्या है। आपको बता दें कि हिजाब एक इस्लामी देश में स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले पोशाक को कहा जाता है। इसे पहनने का उद्देश्य इस्लाम धर्म के अनुसार स्त्रियों की आबरू को संरक्षित रखना होता है। हिजाब के नियमों को विभिन्न इस्लामी देश में अलग अलग तरीकों से लागू किया जाता है। ईरान में भी हिजाब को लेकर कई नियम हैं जिन्हें सख्ती से लागू किया जाता है। हाल के फैसले के अनुसार अब ईरान की महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलते समय हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा और इसका पालन भी किया जाएगा। इस नीति के अनुसार हिजाब के बिना घर से बाहर निकलने पर महिलाओं को धन जुर्माना देने की सख्त सजा हो सकती है। साथ ही यदि कोई महिला हिजाब ना पहनकर सड़क पर नजर आती है तो उसे पुलिस कस्टडी में भी रखा जा सकता है। इस नीति के अनुसार हिजाब पहनने का जिम्मेदारी महिलाओं की होगी और यदि उसमें से कोई भी नियम को तोड़ता है तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है। ईरान सरकार का मानना है कि इस नई नीति के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और देश की आबादी के बढ़ते विविधता के साथ उन्हें संगठित रूप से अधिक सुरक्षा में रखा जा सकता है। हालांकि इस नई नीति के खिलाफ भी विरोध उठ रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह नई नीति महिलाओं की स्वतंत्रता को कम करने का प्रयास है और उन्हें अधिकारों को अस्थायी रूप से हटाने देने जैसा है। इस नई नीति के माध्यम से ईरान सरकार ने उन समस्याओं का सामना करने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर हिजाब विरोध का एक कारण यह भी है कि महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में हिजाब को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था। पुलिस कस्टडी में अमीनी की मौत हो गई थी। कई रिपोर्ट में कहा गया कि हिजाब न पहनने को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद की महिलाओं और लड़कियों ने इसके विरोध में हिजाब पहनना छोड़ दिया। इसको लेकर कई महीनों तक ईरान में प्रदर्शन चलता रहा। यह प्रदर्शन एक समय में इतना ज़्यादा फैल गया, इतना ज़्यादा उग्र हो गया था कि यह केवल ईरान तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि यह दुनिया के कई देशों तक फैल गया। हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, कईयों की मौत भी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ईरान में हिजाब पहनने की रिवाज सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन हाल के समय में इसके संबंध में विवाद उठ रहा है। विवाद का मुख्य कारण यह है कि कुछ लोग का मानना है कि हिजाब पहनना महिलाओं के अधिकारों को कम करता है और उन्हें अस्थायी रूप से बाहरी दुनिया से अलग कर देता है। वह इस बात को भी मानते हैं कि हिजाब पहनने की ज़रूरत धर्म के नाम पर थोपी जा रही है और यह महिलाओं के अधिकार को उनसे छीन लेता है। ऐसे ही ताज़ा न्यूज़ अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे ए इंडिया न्यूज़ के साथ।